खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। की बड़ी खबर तो यह है कि मोदी सरकार 2 में जेडीयू सबसे करीबी साथी बिहार में एक बार फिर से नियर मेजॉरिटी उस पूरे स्टेट में लाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाली पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। एनडीए का हिस्सा होगी लेकिन सरकार में शामिल नहीं होगी। जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, नीतीश की पार्टी मोदी सरकार में शामिल नहीं होगी। जानकारी यह मिल रही है कि कैबिनेट बहुत दो चाहिए जेडीयू को। प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। प्रकाश, मामला तो अटक गया? बिल्कुल, ये कल से ही मामला चल रहा था कि जेडीयू ने पहले भी कहा था कि वो सरकार में शामिल होना चाहती है, कैबिनेट में जाना है उसे। लेकिन जो बातें खुलकर सामने आई थी कि अभी बीजेपी चाहती थी कि मोदी सरकार की सिंबॉलिक तौर पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि अभी जितने सहयोगी दल हैं सबकी तरफ से सिर्फ सिंबॉलिक के तौर सिंबल के तौर पर सांकेतिक तौर पर एक सीट दिए जाएंगे, कैबिनेट बर्थ दिया जाएगा। तो इस पर पार्टी के बीच में गहन मंथन हुआ, बातचीत का दौर चला लंबे समय तक और पार्टी के लोगों ने ये राय दी, सुझाव दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को जेडीयू के, कि इससे बेहतर है कि सरकार में तो शामिल है ही, बिहार में सरकार मिलकर चला रहे हैं साथ में, तो ऐसे में केंद्र में भी सरकार में एक तरह से शामिल है ही और साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो सांकेतिक तौर पर शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार के साथ रहेंगे और कैबिनेट में इस जो अभी हो रहा है इसमें कहीं से ये तो फॉर्मल शब्दावली है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि सांकेतिक रूप से हमें शामिल नहीं होना है, हम तो बिहार में काम ही कर रहे हैं सरकार के साथ। ऐसा नहीं है, ये तो साफ तौर पर नाराजगी दिख रही है। यहाँ पर सौदेबाजी, दिबांग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सौदेबाजी के लिए, बार्गेन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि भाई हम तो 16 सीटें लेकर आए हैं, हमें कैसे आप एक कैबिनेट दे रहे हैं, हमें तो दो चाहिए, आरसीपी सिंह भी चाहिए और हमें ललन सिंह भी चाहिए। देखिए, ये बातें तो बाद में आती जब किसी के नाम को सामने लाया जाता, जब इस बात पर सहमति बन जाती कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना है या नहीं होना है। जो ऑफर आया था उसके मुताबिक ये साफ था कि सांकेतिक तौर पर एक एक कैबिनेट बर्थ मिलेगा जो सहयोगी दल है, उसमें भी जनता दल यूनाइटेड को भी एक ऑफर किया गया था, तो ये मानकर चला गया कि एक से मामला नहीं बन पाएगा क्योंकि बिहार में 2020 में चुनाव होने हैं और 14 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि आखिर किसे मंत्री बनाया जाए किसे नहीं बनाया जाए। तो अब तक जितने भी मंत्रिमंडल में पिछले जब 2004 में करीब 8 से 9 मंत्री शामिल हुए थे और उसके बाद ये पहला मौका था जब केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना था। इसके पहले भी एक बार ये बातें मतलब सामने आई। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हो जाती है कि सरकार बनी नहीं लेकिन यहाँ पर खटास पहले दिख गई है। जेडीयू को एक मंत्री पद दिए जाने पर जेडीयू नाराज हो गई है और इसीलिए कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में, सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने वाली है। यहाँ पर हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं वो तस्वीरें भी साथ साथ आप देखते जाइए और जो हमारे मेहमान हैं उनकी टिप्पणी भी आप सुनते चले जाइए। ये देखिए फोर्ट कोर्ट है,